विरोध प्रदर्शन ये हमारा मौलिक अधिकार है और निश्चित रूप से जब कभी भी इस तरह का मजदूरों के साथ में शोषण होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी और ये भी एक लड़ाई है। जब कंपनी जिस राज्य में हो उसी राज्य में ही उसका मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि मजदूरों के लिए कोई भी समस्या हो तो कार्यालय से संपर्क करना पड़ता है। यदि आज ये टाटा कॉमन्स का मुख्य कार्यालय यदि महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि कंपनी अधिनियम 1948 का उल्लंघन हो रहा है और इस उल्लंघन को रोकना हर एक नागरिक का काम है। हम चाहे किसी भी पार्टी में हो, हम भी एक मजदूर हैं और मजदूरों का यदि शोषण होगा तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, आप देखेंगे कि कई दल के लोग, कई राजनेता आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल होकर के मजदूरों के हित में और मजदूर अधिनियम और फैक्ट्री अधिनियम के विरोध करने वालों के खिलाफ में खड़े हुए हैं। झारखंड एक खनिज संपदाओं से लैस एक राज्य है और इसके कई सारे हेडक्वार्टर्स जो है वो लीड करते हैं बंगाल से, दिल्ली से। इसको लेकर कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध नहीं किया और टाटा हिटाची कंपनी भी यहाँ से बाहर गई, उस वक्त आप लोगों ने विरोध नहीं किया। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हर बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय अध्यक्ष दिशा गुरु शिव सोरेन ने हमेशा आंदोलन किया है कि टाटा कंपनी, टाटा से रिलेटेड जो खनिज संपदा है जैसे कोयला है, कोयला का खदान झारखंड में, उसका मुख्यालय बंगाल में। हमेशा से हमारे पार्टी के सुप्रीमो गुरुजी ने इसका विरोध करते हुए मांग किया कि जो कलकत्ता में जो कोयला का मुख्य कार्यालय है उसको झारखंड में लाया जाए, लेकिन निश्चित रूप से हम उस संख्या में नहीं थे, हम उस मजबूती के साथ नहीं थे और जब हमको मौका मिला है, अवसर मिला है तो हम एक प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले जो भी राजनीतिक दल के लोग सत्ता में थे, निश्चित रूप से यहाँ के खनिज संपदा को जिस तरह से दुआ है, यहाँ के लोगों को वंचित रखते हुए जिस तरह से यहाँ पर ही गरीबी रेखा, आज झारखंड में गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 52% है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो यहाँ पर ही सबसे पहले जो यहाँ पर ही सत्ता में काबिज होकर के झारखंड को दूने का काम किया है, वैसे लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा आज के आंदोलन से खबरदार करना चाहती है कि जो पहले कर चुके कर दिए, अब हेमंत सरकार रहे, अब हेमंत बाबू की सरकार है, अब यहाँ से कोई खनिज संपदा नहीं जाएगी। बिना यहाँ के लोगों को जो लाभ देना है उन लोगों को लाभ दीजिए, यहाँ जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दीजिए, उसके बाद ही कोई काम होगा। यदि आज के दिन में हेमंत बाबू की सरकार है तो ये मान के चलिए कि यहाँ मजदूरों का शोषण नहीं होगा, गरीबों का शोषण नहीं होगा और जब कभी भी सरकार आवाज़ उठाएगी तो जुल्म के खिलाफ में आवाज़ उठाएगी। एकदम लेना होगा, जन आक्रोश और जन भावनाओं को यदि आप देखेंगे, आज जमशेदपुर ही नहीं पूरे कोल्हान के मुख्य गेटों पर, जिस चौक चौराहों पर जिस तरह का धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमको लगता है कि टाटा कंपनी घराना एक सकारात्मक निर्णय लेते हुए अपने विचारों को और अपने जो असफल प्रयास किया है उस पर अपना निर्णय को बदलेगी।